हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल के सी एल ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का पहला यूनिट है बायो मॉलिक्यूल्स। उसमें हम लोगों को पढ़ने अलग अलग कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या था, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, उसके टाइप्स क्या थे और उसमें आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं फ्रेंड बायोकेमिस्ट्री में कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि बायोकेमिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जानेंगे, रिडक्शन रिएक्शन जानेंगे, एसिटाइलेशन, ईस्टर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन एंड रफ डिग्रेडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जब एच ग्रुप को हम ओ एच ग्रुप को डबल ओ एच यानी कि सी एच ओ एच है तो उसको हम सी ओ ओ एच में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये ऑक्सीडेशन है माइल्ड केस में। और अगर ग्लूकोज का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो ग्लूकोरिक एसिड बनता है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग केस में है। तो देखिए, आपको फ्रेंड समझना होगा कि माइल्ड केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में रिएक्शन समझिए। देखिए, माइल्ड केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज के ऊपर स्ट्रक्चर में आपको सी एच ओ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर सी एच ओ दिख रहा है, एक सी एच ओ जो है क्या बन जाएगा, सी ओ ओ एच बन जाएगा। जब माइल्ड केस में करेंगे तो ये बनेगा हमारा ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग केस में करेंगे तो जो ऊपर वाला सी एच ओ है और नीचे वाला सी एच टू ओ एच, ये दोनों सी ओ एच बन जाएगा तो ग्लूकोरिक एसिड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप नोट करिए, आसानी से इसको देखिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए जब हम नाइट्रिक एसिड से करा रहे थे क्या बन रहा है, ग्लाइकेरिक एसिड। देखिए, आप ऊपर वाला भी सी ओ एच ओ से क्या बन गया, सी ओ एच बन गया, और नीचे वाला भी सी एच टू ओ एच जो है वो क्या बन गया, सी ओ एच बन गया। यानी दोनों जब हम माइल्ड स्ट्रॉन्ग से कराते हैं तो दोनों हमारा जो एल्कोहल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन के दो प्रोडक्ट हो गए, माइल्ड के साथ ग्लूकोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग के साथ ग्लूकेरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में आपको पता है क्या होता है फ्रेंड, कि जो एच ओ एच में ओ एच ग्रुप होते हैं वो एच में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आपको पता है ये रिएक्शन क्या क्या होते हैं, आप देख लीजिए। तो बेसिकली रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जितने भी सी एच ओ एच ग्रुप है यहाँ पे रिएक्शन में बेसिकली ओसाजोन का फॉर्मेशन कराया गया है, उस आई मीन करा कि ये रिएक्शन आपको नोट नहीं करना है। सिंपल से रिएक्शन क्या करना है फ्रेंड, आपको देखिए पता होगा कि जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यहाँ पे होता है क्या सी एच ओ और सी एच टू ओ एच, एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच है ना, आप ऐसे देखते हैं ओ एच ओ एच ओ एच है ना, एच ओ एच होता है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा ये सी एच ओ है यहाँ पे ये सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ओ एच हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा, और सारे जो हो जाएंगे जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सारे ओ एच हटके एच एच हो जाएंगे, तो ये हमारा एल्केन बन जाता है, सिंपल सा हेक्सेन बन जाता है ग्लूको रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगला फॉर्मूला है, अगला रिएक्शन है ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। तो इसका नंबर अगला डाल दीजिएगा, ओसाजोन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज को हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, देखिए एन एच एस टू एन है ना, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन बोलते हैं, तो क्या होता है ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। ये इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है कि हमारा जो ओ एच ग्रुप होता है ग्लूकोज का उसको एसिटिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होता है, जब ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का रिएक्शन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड कंपाउंड के साथ करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज से पेंटाएसिटेट यानी कि एसिटिक एसिड के साथ एसाइलेशन होता है। उसी तरह मेथाइलेशन में क्या होगा, अगर हम पेंटामेथिल ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मेथाइलेशन हो जाता है। इसका भी रिएक्शन आपको नोट करना है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड ईस्टर फॉर्मेशन। तो ईस्टर में आपको पता है कि जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो जो ओ एच ग्रुप होता है वो ओ ओ आर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये इसका एग्जांपल है, ये रिएक्शन आपको नोट करना है। ये शुगर का मॉलिक्यूल है आर ओ एच, उसके साथ हमने क्या किया एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो क्या बन रहा है ईस्टर। नीचे देखिए बीटा ओ हमारा फ्रक्टोनेज और पेंटा ओ और एसिटिल बीटा ओ फ्रक्टोनोफ्रोसामाइड, ये हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। अगला है फ्रेंड ईथर फॉर्मेशन। ईथर क्या होता है, आप जानते हैं कि ओ एच ग्रुप का एच हटा के अगर आर कर दिया जाए तो आर ओ आर से ईथर बनता है। यानी जितने भी हमारे एल्कोहल होते हैं उसका सी एच टू ओ एच एक ग्रुप एच हट के वहाँ पे आर लग जाता है, तो ये इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन से ईथर का फॉर्मेशन होता है। बस आपको रिएक्शन नोट, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको क्या करना है इनके बस रिएक्शन नोट करने, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर नहीं पढ़ाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिटाना और लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। बस आपको रिएक्शन नोट करने। ठीक है फ्रेंड, रफ डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए फ्रेंड आपको इसका मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन मतलब होता है कम करना। देखिए आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में छः कार्बन है, तो जितनी बार ये स्टेप चलेगा उसमें एक एक कार्बन बार बार कम होता चला जाएगा। कैसे कम होगा, देखिए सबसे पहले स्टेप में जो हमारा ग्लूकोज है Br2 यानी ब्रोमीन से करेंगे तो क्या होगा CHO का बन जाएगा COOH बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब हम इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं
तो इस COOH का एक CO2 यहाँ से उड़ेगा, तो CO2 निकल क्या बचेगा, H, तो छः कार्बन क्या हो जाएगा, पांच कार्बन। अब हम इसको फिर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, Br2 से कराएंगे और H2O2 से कराएंगे, तो एक कार्बन फिर कम हो जाएगा, कितना बचेगा, चार कार्बन। फिर करेंगे तो क्या बचेगा, तीन कार्बन। इसी तरह एक एक कार्बन कम होता रहता है इस रिएक्शन के द्वारा, इसलिए इस रिएक्शन को रफ डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको भी आप स्क्रीन शॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला हमारा आता है कलर रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, तो कलर रिएक्शन को ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है बहुत बेहतरीन सा, आप उसको जाके फार्माकोलॉजी वाले में या बायोकेमिस्ट्री के ट्रिक में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं कलर रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। मॉलिश टेस्ट में क्या होता है कि इसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फ्यूरल के साथ, तो बेसिकली वायलेट या नेफ्थॉल का एक अल्फा नेफ्थॉल का वायलेट कलर का एक रिंग बनता है। बर्फोर टेस्ट में क्या होता है, इसमें एस्टिक एसिड का रिएक्शन क्यूपर स्टेट के साथ कराते हैं, तो मोनोसैकेराइड में क्यूपर सक्साइड होता है वो रेड प्रेसिपिटेट देता है। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट H2O ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, शुगर के साथ, तो ये क्या होता है बेसिकली रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये केमिकल टेस्ट आपको लिखना है और याद करना है फ्रेंड, ठीक है ना। इसका एक बेहतरीन ट्रिक वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। फेलिंग टेस्ट का रिएजेंट क्या क्या होता है, कॉपर सल्फेट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिलाते हैं तो क्या करता है ये क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट टेस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड, ये फेलिंग टेस्ट होता है। बायल टेस्ट में देखा जाए तो उसमें क्या होता है, बायल रिएजेंट क्या हो गया होता है, फेरिक क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑर्सिनॉल, इनको मिलाते हैं तो ये पेंटेज और हेक्सोज शुगर को डिस्टिंग्विश करता है। इसमें फेरफ्यूरल का फॉर्मेशन होता है और ग्रीन कलर देता है, अगर पेंटोज शुगर है तो ग्रीन कलर देगा और हेक्सोज शुगर है तो मडी ब्राउन कलर देगा, यानी बेसिकली ये पेंटोज और हेक्सोज शुगर का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। आगे बात करेंगे सिविल सेल्विन सॉफ्ट टेस्ट, ये क्या होता है, कीटोज कंपाउंड के लिए होता है। इसमें हम ये एल्डोज कीटोज का पहचान करने के लिए दिया जाता है। इसमें रिएजेंट बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसर्सिनॉल होता है, तो कीटोज जो होता है वो क्या करता है एक रेड कलर देता है और जो एल्डोज होते हैं वो कलर नहीं देते हैं। इसी तरह डाइफिनिलमीन टेस्ट होता है फ्रेंड, इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाइफिनिलमीन ग्लेशियल एस्टिक एसिड, और यह करता है ये एक शुगर का टेस्ट देता है, ब्लू ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इसी तरह सिफ टेस्ट होता है, एल्डोज के लिए होता है, मजेंटा कलर देता है। तो ये पूरे हमारे फ्रेंड कलर टेस्ट हो गए। अब हम हमारा मोनोसैकेराइड खत्म हो गया, हमने मोनोसैकेराइड डिटेल पढ़ लिया, अब बचा डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाई और पॉलीसैकेराइड को शॉर्ट में आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डाई और पॉलीसैकेराइड से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बेसिकली क्लासिफिकेशन पूछता है और केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और आइसोमेरिज्म, ये तीन चीज़ें बहुत पूछता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे दो शुगर के मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि ऐसा डाइसैकेराइड जो दो मोनोसैकेराइड एल्डोज से मिला होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, माल्टोज आइसोमाल्टोज सुक्रोज लैक्टोज लैक्टुलोज और ट्रैक्रोज, ये सब एग्जांपल डाइसैकेराइड्स के हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहले बात करेंगे माल्टोज की, तो उसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर जो होता है ये किसके, बस ये आप याद रखिए कि एक कौन कौन से मिलकर होती है, यानी कि जब भी एक माल्टोज टूटेगा तो ये दो ग्लूकोज के अणुओं में टूटता है, यानी कि ये दो ग्लूकोज के अणुओं के साथ जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। अब बाकी थोड़ा जान लेते हैं माल्टोज होता क्या है, कि जो माल्टोज होता है ये स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी पेनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा। ये एक तरह का फर्मेंटेबल शुगर होता है, इसका बेसिकली यूज़ न्यूट्रिएंट की तरह किया जाता है माल्ट बनाने के लिए, ठीक है, और ये एक्टिव ग्रुप होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड सुक्रोज की, सुक्रोज को टेबल शुगर या शुगर हिंदी में चीनी कहते हैं। चीनी जो होता है, जब ये शुगर दो सुक्रोज, एक सुक्रोज जो होता है वो दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी जब ये हाइड्रोलिसिस होती है तो ये एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का देता है, जो उसमें लिखा है फ्रेंड। आसानी से इसको इसी तरह से लिख के नोट्स बना लीजिए आप लोग, कुछ भी नहीं करना। सुक्रोज की प्रॉपर्टीज़ दिया है, कैसे होता है, क्या टेस्ट होता है, कैसे पाया जाता है, ये सब ऑलरेडी आपका डिटेल है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, देखिए क्या दिखा रहा है कि जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, ये बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, ये इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। उसी तरह से फ्रेंड लैक्टोज है, लैक्टोज को मिल्क प्रोटीन भी या मिल्क भी कहा जाता है, ये दूध में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी जब भी एक दो अणुओं से मिलकर बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी जब भी हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, ये मिल्क में पाया जाता है, ये मेमरी ग्लैंड में लैक्टेशन के दौरान बनने लगता है, इसका जो उसमें अल्फा और बीटा एनोमर्स पाया जाता है, ये सब इसकी डिटेल है, इसको आसानी से आप देख के लिख सकते हैं लैक्टोज के बारे में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड। अगला है लैक्टुलोज, ये किसका बना होता है, ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा फ्रक्टोज, यानी दो मोनोमर अणुओं से मिलकर बना, क्योंकि डाइसैकेराइड है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज आप आसानी से यहाँ देख ले सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर यहाँ से आप बना सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा।
ओलिगोसेक्राइड्स में, बाकी ट्राइसेक्राइड्स में, अब देखो ये हमने डाइसेक्राइड का एग्जांपल देखे, ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल होता है रेफनोज शुगर जो ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीन लोगों से मिलकर बना होता है। टेट्रासेक्राइड की बात करें तो स्टाइकोज एक एग्जांपल है जो दो गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। फ्रेंड देखिए ये इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं लेकिन अगर आप नाम जानते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पेंटासेक्राइड का एग्जांपल है वेरफसोज जिसमें तीन गैलेक्टोज के अणु होते हैं, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है। और हेक्सासेक्राइड का एग्जांपल होता है एजुगोज जिसमें चार गैलेक्टोज के अणु हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल होते हैं बेसिकली स्टार्च, ग्लूकोसेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, होमोग्लाइकॉन्स और हेटरोग्लाइकॉन्स। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टार्च का स्ट्रक्चर पूछ लेता कभी कभी, तो स्टार्च की बात हम लोग करते, पहले ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन तरह से एक एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये मसल्स और लीवर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ये पॉली देखिए दिख रहा है आपको, उसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के ढेर सारे अणु, देखो देखो एक अणु दिख रहा है ना, चैन दिख रही है आपको, जब ग्लूकोज के ढेर सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इज द पॉलीमर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ आप उसको देख सकते हैं। ग्लाइकोजन की बात हो रही है यहाँ पे, फिर स्टार्च की बात करेंगे, स्टार्च में क्या होता है उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इसके मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, ये इसका डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर आपको सामने रहेगा और ये दिस इज द सेलुलोज, सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, इसके बारे में भी आप आसानी से नोट्स बना के यहाँ से लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो क्योंकि सिंपल था क्योंकि इसमें से एग्जाम से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसलिए मैंने इसको लाइटली बताया है। हम लोग बायोकेमिस्ट्री के या नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, बायोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फैट और लिपिड के बारे में, तो मैं आपको बोर्ड में अच्छे से समझाऊंगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, गुड लक। सेकेंड सेमेस्टर की बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एचएपी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, उसके लेक्चर्स अपलोड है, बाकी आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए हमारे लेक्चर्स की इजी लैंग्वेज में तो हमारी वेबसाइट kclpharmacy.com विजिट करिए, वहाँ पे आपको आसानी से लेक्चर्स मिल जाएंगे, इजी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।